भारत के 21 दिन के लॉकडाउन से लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ एनटीपीसी पावर प्लांट में करीब 1000 मजदूर काम करने आए हैं। कई मजदूरों के लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं। 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए ठेकेदार भी 9-2-11 हो गया। यह पीड़ा यूपी बरेली से आए एक दर्जन मजदूरों ने बेड़िया थाने पर बताया। मजदूर चंद्रपाल ने बताया कि हम सभी मजदूर एनटीपीसी प्लांट में 15 किलोमीटर पैदल चलकर बेड़िया आए हैं। हमें साधन नहीं मिलेगा तो यूपी तक पैदल जाएंगे कैसे। चंद्रपाल ने बताया कि ठेकेदार लोकल का होने से हमें छोड़कर भाग गया, जिसके कारण हमारे पास खाने का संकट आ गया। रविवार को सुबह 11 बजे एक दर्जन मजदूर बेड़िया थाने पर गुहार लगाने पहुंचे थे। यहां एएसआई मोहसिन अली ने नायब तहसीलदार सुखदेव डावर का नंबर दिया। मजदूरों ने नायब तहसीलदार के बात कर सनावत आने को कहा। बेड़िया से सनावत जाने के लिए समाज सेवियों ने चाय पिलाकर वाहन की सुविधा करवाकर उन्हें सनावत पहुँचाया गया। हालांकि मजदूरों को नायब तहसीलदार ने मजदूरों के पास बना कर देने को कहा गया है। सनावत से प्रभु दोगे की रिपोर्ट। से आए आप सर? बरेली से। कहाँ पे जाना है? बरेली घर। नहीं, इधर कहाँ से आ रहे हो आप? इधर एनटीपीसी पावर प्लांट चल रहा था। तो वहाँ पे कुछ सुविधा वगैरह नहीं? सर ठेकेदार वो तो भाग गया गाँव चौन छाड़ कर। कितने लोग हो आप? हम तो सर 11 लड़के हैं। 11? क्या सुविधा है जाने की? सर अब पैदल पैदल निकल रहे हैं घर यहाँ से। क्या शुभ नाम है? चंद्रपाल। यूपी बरेली में कहाँ पे रहने वाले? सर खास बरेली में रहने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।